तो एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा, और इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वैभव गहलोत आपको सुनाते हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी रस्ते में हम लोग बात कर रहे थे श्री उमेद सिंह जी राठौड़ साहब से, ये बात सही है, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और अभी जो मैंने बात समझी है, आप लोग निश्चिंत रहें। मैं उमेद सिंह जी राठौड़ साहब को कहूंगा कि आप जब भी जयपुर आए, आप और हम साथ बैठेंगे। यहाँ पे जो अधिकारी लोग ठेकेदार काम कर रहे हैं, मैं उमेद सिंह जी से निवेदन करूंगा उन ठेकेदारों को टाइप करके अधिकारियों को मुझे फोन करवाना हो, मैं जोधपुर अभी वापस आऊंगा, आप मुझसे बात कराइए। जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत हुआ है, वो जल्द से जल्द यहाँ पे उसका फायदा पहुंच सके। मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र में पीने के पानी की। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, इनके कठिन जीवन का मुझे आभास है कि इनको कितनी तकलीफ होगी, बड़े बुजुर्गों ने ये बात बताई है। आप निश्चिंत रहें, मैं इस समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, आपकी बात को पहुंचाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। आज हम सब आपके समक्ष उपस्थित हुए, आप जानते हैं शानदार बजट प्रदेश की सरकार ने पेश किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, और मुझे बता रहे थे कि पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर में जिस क्षेत्र को घोषणाएं सबसे ज्यादा हुई है वो शेरगढ़ है। ये आपको बताने चाहता हूँ कि शेरगढ़ विधानसभा है, उमेद सिंह जी का जज्बा है, हमेशा जयपुर आप लोगों के लिए बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, सचिवालय में चक्कर काटते हैं, उसका नतीजा है कि 200 विधानसभाओं में अगर दूसरे नंबर की कोई विधानसभा पूरे प्रदेश में है जिसमें सबसे ज्यादा बजट के अंदर पैसा आवंटन हुआ है, तो शेरगढ़ है। आपको बताया है, मुझे रस्ते बता रहे थे उप तहसील कार्यालय की मांग, आज से नहीं वर्षों से मांग इस क्षेत्र में आगोलाई में चली आ रही है। आगोलाई की समस्या को देखते हुए भाई उमेद सिंह जी ने पिछले काफी समय से प्रदेश की सरकार पे, मैं तो कहूंगा एक तरीके से दबाव डाल के अगर ये काम करा के लाए हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे उप तहसील कार्यालय खुल गया, आपके रोजमर्रा के छोटे मोटे सरकारी कार्य जो होंगे वो यही आगोलाई में हो जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही पचपदरा में आने वाले समय में जो रिफाइनरी पूरी तरीके से स्थापित हो जाएगी, भाई उमेद सिंह जी राठौड़ साहब का सोच था क्षेत्र के युवाओं को नौकरी मिले, उसके लिए जो पचपदरा में रिफाइनरी लग रही है उसके देखते हुए यहाँ पे ITI कॉलेज की घोषणा कराई, ताकि आने वाले समय में उमेद सिंह जी सही कह रहे थे नौकरी तब लग पाएगी जब क्षेत्र के युवा यहाँ से तालीम हासिल करके, शिक्षा हासिल करके ITI से उस रिफाइनरी के अंदर, क्योंकि आपके नजदीक पड़ेगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सोच के साथ ITI कॉलेज की स्थापना भी आगोलाई के अंदर घोषणा की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले वर्षों में जो रिफाइनरी का फायदा पहुंचेगा क्षेत्र में, चाहे वो नौकरियों के रूप में हो, दूसरे रोजगार हो, वो आने वाले समय में आगोलाई तक वो फायदा यहाँ पे पहुंचेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ। प्रदेश की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा शानदार बजट पेश किया है कि आप लोग सब जानते होंगे कि अंदर खाने तो भाजपा के लोग भी ये कह रहे हैं कि हम बोले तो इसके खिलाफ क्या बोले, ये बात कोई किसी से छुपी नहीं। पुरानी पेंशन योजना लागू की गई, सरकारी कर्मचारियों की बहुत वर्षों से मांग रही, और इस योजना को चालू करते ही, पुरानी पेंशन योजना को, पूरे देश के अंदर अगर किसी सरकार की तारीफ हो रही है तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार की तारीफ हो रही है। ये तभी संभव हो सका जब तीसरी बार आपने माननीय गहलोत साहब को आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, कांग्रेस की सरकार बनी है, 3 साल पूरे हो गए, 2.5 साल का जो कार्यकाल है, मैं बताना चाहूंगा